नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कैरमलाइज्ड खीर, जिसके लिए मैंने ये दूध गर्म कर लिया है और मैंने ये छोटे बासमती कनकी चावल को भिगा दिया था। तो मैं अब ये पानी फेंक के और चावल को दूध में डाल दूंगी पकने के लिए। हम ये खीर को अच्छे से गाढ़ा करेंगे चावल के साथ और फिर मैं बताती हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो जब तक ये खीर पक रही है और चावल मेरे गल रहे हैं, मैं डालूंगी इसके अंदर एक दूसरे बर्तन में शुद्ध घी में ये मेवे। मैंने डाल दिया इसमें काजू, बादाम, पिस्ते और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में मैं डालूंगी चिरौंजी। जब भी आप ये मेवा खीर में डालें तो ज़रा सा इसको फ्राई ज़रूर करिए, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाती है और ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा। देखिए ये चावल गल चुके हैं तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर और ये मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया जो मैंने फ्राई करे थे ड्राई फ्रूट्स। हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालेंगे और ये हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है, पर अभी मुझे इसको और गाढ़ा करना है। अभी हमने इसके अंदर चीनी नहीं डाली क्योंकि ये कैरमलाइज्ड खीर है तो हमको शुगर को कैरमलाइज करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा खीर को गाढ़ा हो जाने देते हैं। अब देखिए हमारी खीर बिल्कुल बनके हो गई तैयार और इसमें चावल भी गल गया है क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर पहले भिगा दिया था, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। और इधर मैं कढ़ाई में थोड़ी सी शुगर को कैरमलाइज करूँगी तो मैं डाल रही हूँ ये शुद्ध घी में चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। तो मैं ये चीनी लेकर इसमें भूनूंगी। मैं थोड़ा सा घी इसके अंदर और डालूंगी। हमको धीरा बिल्कुल इसमें पेशेंस के साथ करना पड़ेगा क्योंकि ये शुगर हमारी मेल्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी कैरमलाइज करेंगे तो ये ब्राउन भी होनी चाहिए। तो वेट करते हैं शुगर के मेल्ट होने का। इधर मैं खीर भी चला रही हूँ, खीर मेरी हो चुकी है गाढ़ी। अब देखिए ये शुगर बिल्कुल बढ़िया हो गई कैरमलाइज। तो इस टाइम पे मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा पानी। ये देखिए अब ये हमारा कैरमलाइज शुगर हो गई तैयार और ये मेरी खीर भी बनके हो गई तैयार। तो मैं खीर को अब खाली करूंगी इस बर्तन के अंदर। ये देखिए बढ़िया खीर हमारी हो गई तैयार और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मेरी कैरमलाइज्ड शुगर। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये होगी तैयार। आप कलर देखिए खीर का, है ना बढ़िया। तो ये हो गई हमारी कैरमलाइज्ड खीर। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। और ऊपर से मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये थोड़ी सी मेरी भुनी हुई मेवे कुछ इस प्रकार से और ये थोड़ा सा घी। तो देखिए लाजवाब कैरमलाइज्ड खीर मेरी बनके हुई है तैयार। आप इसे ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये प्यारी सी डेजर्ट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच।
रेसिपीज। Thank you.